हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके केमिस्ट्री टीचर सुमित वर्मा। अब देखिए, केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। टेंथ के एग्ज़ाम दे के आप आए हो, ऑल एग्ज़ाम्स तो नहीं हुए लेकिन अब 11th में पहुँच ही गए हो आप। इससे साल तो ऐसे ही चलेगा अब, ये ठीक है जो भी सिस्टम चल रहा है। तो कैसी किस तरह से हमने ये 11th का सिलेबस स्टार्ट करना है और किस तरह से इसे फिनिश करना है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और फिर मैं केमिस्ट्री पे आता हूँ। ठीक है कि केमिस्ट्री कैसे, क्या मेरा सिस्टम रहेगा पढ़ाने का और क्या आपका सिस्टम रहना चाहिए पढ़ने का, नहीं तो प्रॉब्लम रहेगी बच्चों। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताना चाहता हूँ कि हम किस तरह से केमिस्ट्री को हमें पढ़ना चाहिए, स्कूल में या ट्यूशंस में। ट्यूशंस यहाँ पढ़िए या कहीं और पढ़िए, जहाँ मर्जी पढ़िए, लेकिन आपका एज अ स्टूडेंट क्या पढ़ने का तरीका रहेगा वो ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ बच्चों, 10th क्लास में आपके केमिस्ट्री के थे सिर्फ 5 यूनिट्स, उसका भी लिमिटेड। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, लिमिटेड। कार्बोनेट्स कंपाउंड्स पढ़े होंगे, लिमिटेड। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ी होंगी, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ी होगी, लिमिटेड। यहां पे आपके 11th क्लास में केमिस्ट्री के हैं 14 चैप्टर्स या 14 यूनिट्स। 10th वाले सारे वो भी यूनिट होंगे, 10th में जितने टॉपिक्स होंगे यहां पे वो अपने आप में एक यूनिट है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन अपने आप में एक यूनिट है यहां पे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अपने आप में एक यूनिट है यहां पे। तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है क्योंकि अब हमने केमिस्ट्री बिल्कुल डीप में पढ़ना है, इसलिए जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तब तक बात नहीं बनेगी। तब तक आपने चाहे नीट का एग्जाम देना हो या जेई मेंस देना हो, बात नहीं बनेगी। मतलब आप ये सोचो कि हाँ, हमने 10th में लास्ट में एक महीना पढ़ा था और हमारे 90% मार्क्स आए, 99% मार्क्स आए, ये चीज में पहले से आप सोच लो मैं डरा रहा हूं या क्या बोल रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनिए। 90% लेने वाला स्टूडेंट 10th में, 100% लेने वाला स्टूडेंट 10th में 11th के फर्स्ट यूनिट टेस्ट में फेल हो जाता है। ऑल नहीं लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं या फेल होने के चांसेस हो जाते हैं पूरे। ऑल 5 सब्जेक्ट्स पास नहीं होते उससे। तो इसके अलग अलग रीजंस हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं जी, 11th में बोर्ड नहीं है इसलिए हमने नहीं पढ़ना है, थोड़ी मस्ती करने लगते हैं। ठीक है, कुछ सोचते हैं कि भाई अभी 11th में कौन फेल करेगा, बाद में देख लेंगे, 12th में अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन इसका मेन रीजन है बच्चों सिलेबस। इतना ज्यादा और इतना ब्रॉड सिलेबस है केमिस्ट्री का भी, केमिस्ट्री वर्ड मीनिंग वगैरह सब कुछ समझाता हूं मैं आपको, लेकिन ये चीज सुन लीजिए, इतना ब्रॉड, इतना ज्यादा सिलेबस है, इतना डीप में सिलेबस है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। आजकल एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐड डालते हैं, हम कंप्यूटर एग्जाम करवा रहे हैं, हमारे इतने बच्चे सेलेक्ट हो गए, हमने नीट क्वालिफाई करवा लिया, हमने जेई मेंस एडवांस क्वालिफाई करवा लिया। और जब स्टडी मटेरियल देखें तो वही 100, 120, 150, 200 एमसीक्यूज दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। बच्चों हम आपको 1000 एमसीक्यूज दे देंगे सॉल्व करने के लिए, वो 1000 भी एग्जाम में नहीं आने वाला। जरूरी नहीं है कि उसी में से क्वेश्चन आए, कुछ आ जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चंस को रट्टा मार के बात नहीं बनेगी कि आपने 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया और उसी में से एग्जाम आ जाएगा, नहीं। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही बच्चों आप क्वेश्चंस कर पाओगे। मतलब शॉर्टकट में कहूं तो बच्चों पढ़ने के, 11th 12th पढ़ने के 2 ही फंडे हैं। फर्स्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है जी, सब ऐसे ही बोलते हैं लेकिन आपको करना यही है। ठीक है, बोलने और करने में फर्क है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। दूसरा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे वो तो हो ही नहीं पाएगी, वो तो रट्टा है एक तरह से। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे और ऐसे ही चले जाओगे मैदान में खेलने के लिए, तब भी आउट हो जाओगे। ठीक है, अगर आप कोई गेम भी खेलते हो तो उसमें ही देख लीजिए, अगर आप क्रिकेट या बैडमिंटन कोई भी गेम खेलते हो तो देखो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, पहले उसके रूल्स समझने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन समझने हैं, फिर देखना कि कौन सी बॉल किस साइड आएगी, किस डायरेक्शन में उसको मारना है,
और बाद में आपको गर्मी में सर्दी में ग्राउंड पे जाना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, खेलने के लिए, तब जाके आप अच्छे प्लेयर बन पाओगे। सेम यही हिसाब आपकी केमिस्ट्री का, आपकी पढ़ाई का भी है। केमिस्ट्री क्या, ऑल सब्जेक्ट्स का, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का काम रहा हमारा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक एक टॉपिक का, मान लीजिए आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट करता हूं, आपका 9th का एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, मोल कॉन्सेप्ट। जब तक मोल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो क्लियर, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने करवाने का काम रहा हमारा। लेकिन जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे प्रैक्टिस, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यकीन मानिए बच्चों, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो 9th में था, आप भूल भी गए होंगे। आप क्या बच्चों का कॉलेज खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स का, उनको भी पूछो ना मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक रटी रटाई डेफिनेशन दे देते हैं बस। डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, आपको वो मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए, अप्लाइड पार्ट। ध्यान रहे, ये मेरी बातें ध्यान रखिए, आप पढ़िए कहीं पे भी, और आपकी मर्जी है, जहां मर्जी पढ़िए, 11th यहां पढ़िए, 12th कहीं और पढ़िए, या 11th कहीं और पढ़ के 12th यहां आ जाइए, आपकी मर्जी है। लेकिन ये कुछ चीजों का ध्यान रखिए, अगर आज टीचर ने आपको मोल कॉन्सेप्ट समझाया, वो आपको समझ आना चाहिए, वो टीचर की हेडेक है, कैसे समझ आएगा। फिर हम आपको उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। मान लीजिए 5 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए, तो बच्चों कम से कम 5, मिनिमम 5, मैक्सिमम जितने मर्जी 10, 15, 20 क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। दिस इज सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी से कहते हैं, ठीक है। जब आप खुद सेल्फ स्टडी करना सीखोगे तो ऑटोमेटिकली वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेल्फ स्टडी वर्ड यहां पे आया तो इसके बारे में भी बोलता हूं। कुछ बोलते हैं सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं जी सेल्फ स्टडी नहीं, हेल्प के साथ स्टडी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से 11th 12th या आगे भी कहीं पे भी सेल्फ स्टडी का मतलब ये है, टीचर की हेल्प से सेल्फ स्टडी करनी। टीचर ने अगर 5 क्वेश्चन करवाए, तो आप उसके 10, 15, 20 ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, ये होती है सेल्फ स्टडी। आप खुद मोल कॉन्सेप्ट लेके बैठ जाओगे, उसे रट्टा मारोगे और सोचोगे हाँ मुझे समझ आ गया, अब मैं क्वेश्चंस करूं, 100 में से 1 बच्चे को समझ आ भी जाएगा सेल्फ स्टडी से, 100 में से 1 स्टूडेंट को समझ आ भी जाएगा, ठीक है। लेकिन टीचर ने वो समझा दिया था 1 आवर में, शायद उसको लग गए 10 आवर्स, मतलब 10 दिन लग गए वो समझने के लिए, वो भी 100 में से 1। तो अपने टीचर की हेल्प से कॉन्सेप्ट समझना है, हाँ क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करने हैं। कौन से क्वेश्चंस, क्वेश्चन एराइज होता है कौन से क्वेश्चंस, जो हम यहां प्रैक्टिस करेंगे वो, और सबसे पहले आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, सीबीएसई ने वही रिकमेंड की हुई है, ठीक है। और आपके नीट वगैरह सारे जेई मेंस के क्वेश्चंस भी वहीं से आते हैं। ध्यान रहे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का काम टीचर का है, आपको समझ नहीं आएगी आपको टीचर चेंज करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का काम टीचर का है, ठीक है। वो आपको, आपने कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई मॉडर्न्स नहीं, कोई प्रदीप्स नहीं, कोई एनसीईआरटी नहीं, ठीक है। बुक्स टीचर को छोड़ दीजिए, फिर टीचर के पास क्यों जाना ना, अगर बुक से ही पढ़ना है तो। कॉन्सेप्ट टीचर ने क्लियर करवाना है, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, यही आपका काम है। कौन से क्वेश्चंस, फिर से बोल रहा हूं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, ठीक है। आज 5 क्वेश्चंस हमने यहां प्रैक्टिस किए, 5 या 10 क्वेश्चंस आपने घर में प्रैक्टिस किए, ये आपका होमवर्क था। मतलब ऑन एवरेज एक दिन में 10 क्वेश्चंस, दिस इज मिनिमम, इससे कम कुछ नहीं चलेगा, 1 डे में 10 क्वेश्चंस। तो सिंपल सा फंडा है, 10 डेज में कितने क्वेश्चंस, अगर आपने 1 डे में 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, तो 10 डेज में आपने 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। 10 डेज में करने 100 क्वेश्चंस, एक दिन में 100 नहीं करने, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, पीएचई, कंप्यूटर्स, सब सब्जेक्ट्स करने हैं। अगर आज आपने अपना होमवर्क नहीं किया, आपने टॉपिक रिवाइज कर लिया लेकिन होमवर्क नहीं किया, आपने 10 क्वेश्चन नहीं किए, तो बच्चों कल आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। सोचिए किसी ने 1 हफ्ता छुट्टी मार ली, आगे पीछे कहीं चला गया, मिस हो गया, क्लास मिस हो गई, तो सोच लो बच्चों 1 हफ्ते के उसके 70 क्वेश्चन पेंडिंग हो गए। अब सोचिए कोई 2 महीने पढ़ ही नहीं रहा, 2 महीने बाद हाफ ईयर ले आया, फिर पढ़ रहा है, 2 मंथ्स, कितने क्वेश्चन पेंडिंग हो गए, कौन
खुद ही कैलकुलेशन कर लीजिए, 600 क्वेश्चंस। अब उस हाफ ईयरली में एक छुट्टी हो, दो छुट्टियां हो या पांच छुट्टियां हो, 600 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। ये तरीका है, ठीक है? ये आपका टारगेट है, ठीक है? आपकी लाइफ का जो भी टारगेट होगा, किसी का टारगेट है डॉक्टर बनना, किसी का इंजीनियर बनना, किसी का आईएएस केएएस आईपीएस, कोई भी अलग अलग ऑफिसर बनना, साइंटिस्ट बनना, वो टारगेट है वो 2 इयर्स या 5 इयर्स के बाद। उस टारगेट को अचीव करने के लिए टारगेट, छोटे छोटे टारगेट डिसाइड कीजिए। मान लीजिए 2 इयर्स के बाद आपको नीट का एग्जाम देना है, तो वो 2 इयर्स का टारगेट है, उस टारगेट को डिवाइड करो 1-1 ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में आपको 11th का सिलेबस करना है, सेकंड ईयर में 12th का सिलेबस करना है। फिर ईयर के टारगेट को और छोटे टारगेट्स बनाओ, मंथली टारगेट्स। इस मंथ में हमने ये सिलेबस करना है, इस मंथ में ये सिलेबस कंप्लीट करना है। फिर मंथ के टारगेट को और छोटा टारगेट बनाओ, वीकली टारगेट, और मैं तो कहता हूँ पर डे का टारगेट। और पर डे का टारगेट क्या है? 10 क्वेश्चंस मिनिमम। अगर 5 मैंने करवाए तो 5 आपने करने हैं, अगर मैंने 4 किए तो 6 आपने करने हैं। क्लास हो या ना हो, घर में बैठे हों या कहीं और गए हों, घूमने गए हों या खाना बना रहे हों या खाना खा रहे हों, आपको एक दिन में कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, विद द हेल्प ऑफ टीचर, विदाउट हेल्प ऑफ टीचर। 10 क्वेश्चन ये आपका मिनिमम है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, उन 10 क्वेश्चन में से मान लीजिए किसी के 50-50, 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 5 सॉल्व नहीं हुए, तो फेंको टीचर पे। वो प्रॉब्लम टीचर की है, अपनी प्रॉब्लम टीचर पे फेंक दो, ठीक है? समर्पण, अपने दुख समर्पित करो अपने टीचर को। क्या समर्पण करना है? अपनी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स मतलब क्वेश्चंस। अगर आपसे 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, बस टेंशन नहीं लेनी है, साइड पे फेंक दो टीचर पे। 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट एक और पॉइंट बोलूंगा, स्पीड पे फोकस ना करना। आप कहोगे कि मैंने 10 क्वेश्चन 10 मिनट्स में कर लिए, उसने 30 मिनट्स में किए, मैं 5 मिनट्स में करूंगा। नहीं, शुरू शुरू में टाइम लगेगा, अभी देखना। 11th टोटली अलग है, 10th की पढ़ाई से टोटली डिफरेंट। शुरू शुरू में एक्यूरेसी पे फोकस करना, कि आप करेक्ट क्वेश्चंस कीजिए, टाइम की टेंशन ना लेना। अगर कोई टॉपिक 1 आवर का है, अगर कोई टेस्ट 1 आवर का है, कहीं कोई बच्चे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इस टाइम पे ज्वाइन कर रहे होंगे, अगर वो 3 आवर्स का है, 4 आवर्स ले लो, अभी 5 आवर्स ले लो, मैं तो ये कहता हूँ। आपको जो मेन एग्जाम है वो 2 साल बाद देना है, तब तक स्पीड तो बढ़ा ही लेंगे। अभी फोकस कीजिए एक्यूरेसी पे, वैल्यू से ही आनी चाहिए आपका, ठीक है? टाइम ज्यादा लग रहा है, नो प्रॉब्लम, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी? ये पॉइंट भी क्लियर है आपका? अब थोड़ा सा स्टार्ट करें हम, किस हिसाब से हमें ये 11th जो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है? कैसे, इस तरह से वो करना है। आपका फर्स्ट ही यूनिट जो है केमिस्ट्री का, यूनिट का नाम देखिए क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बेसिक्स समझने हैं इसमें। यूनिट ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स का है, यूनिट का नाम ही यही है, ठीक है? केमिस्ट्री, अब थोड़ा सा हिस्ट्री में बताता हूं इसकी। केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो किसकी स्टडी करती है? मैटर की। ऐसे जनरली किसी से पूछे ना केमिस्ट्री क्या है, तो वो कहते हैं केमिस्ट्री केमिकल्स हैं जी, केमिकल्स की स्टडी है, रिएक्शन की स्टडी है। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसकी कंप्लीट डेफिनेशन ये है, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर मीन्स एवरीथिंग जो आप अपने आगे पीछे देख रहे हो, विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर की डेफिनेशन तो सबको आती होगी। मैटर की एक न्यू डेफिनेशन भी है बच्चों, हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से, किसी भी सेंस ऑर्गन से किसी चीज को टच कर सकें, देख सकें, स्मेल कर सकें, वो भी मैटर है, ठीक है? ये मैटर है बच्चों, दिस इज मैटर, ये मैटर है। एक गिलास में पानी है, वो मैटर है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एयर भी मैटर है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है बैलून में। कोई एक मैटर लीजिए, मान लो इसी को मैटर को लेते हैं, ये मैटर लीजिए और इसकी कंप्लीट स्टडी कीजिए। कंप्लीट स्टडी मीन्स कंप्लीट स्टडी एवरीथिंग, इसकी कंपोजिशन, इसके कॉन्स्टिटेंट्स क्या हैं, इसकी प्रिपरेशन, ये बना कैसे है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी बॉन्डिंग कैसे हुई है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी यूजेस क्या हैं,
जब आप इसकी ये सारी चीजें स्टडी कर लोगे ना, तो आप कहोगे कि आप इसकी केमिस्ट्री कर रहे हो, ये है केमिस्ट्री। ठीक है, स्टडी ऑफ एवरीथिंग, जो आप अपने आगे पीछे देख रहे हो, सिर्फ वो केमिकल्स रिएक्शंस नहीं। आप वाटर ले लो एक कंटेनर में, वाटर का फॉर्मूला नोट कर लो H2O, वाटर की बॉन्डिंग देख लो, वाटर का स्ट्रक्चर देख लो, वाटर की प्रिपरेशन देख लो, प्रॉपर्टीज, कॉन्सिस्टेंसी, यूजेस सब स्टडी कर लो, तो आप वाटर की केमिस्ट्री कर रहे हो, ये है केमिस्ट्री। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू से देखो, आपके यूनिट का नाम ही यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बेसिक समझने हैं। ठीक है, 10th में आपकी केमिस्ट्री कैसे रही है कैसे नहीं रही है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आपको केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आता, आपको एसिड नहीं पता, आपको बेस नहीं पता, आपको रिडक्शन नहीं पता, आपको मोल कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं आता, चलेगा। सिर्फ अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछना आज, क्या आपको प्लस करना आता है, ऐड, क्या आपको माइनस करना आता है, सब्ट्रैक्ट, क्या आपको मल्टीप्लाई करना आता है, क्या आपको डिवाइड करना आता है। अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो फिलहाल के लिए आज फर्स्ट डे है, फिलहाल के लिए आप मेरे लिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आपको मैं केमिस्ट्री आराम से पढ़ा दूंगा। ठीक है, केमिस्ट्री का आपको एटम भी नहीं पता, एलिमेंट भी नहीं पता, ठीक है, कुछ भी नहीं आता आपको, आपने बस 10th ऐसे ही कर लिया, ऐसे ही 90 मार्क्स ले लिए आपने, 100 मार्क्स ले लिए आपने, चलेगा, मैं मार्क्स पूछूंगा भी नहीं आपसे जब रिजल्ट आएगा। तो मुझे बस ये पूछना है, क्या आपको प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लाई आता है, डिवाइड करना आता है अच्छे से। अगर मैं जल्दी जल्दी पूछूं, 1 रुपए में 10 टॉफीज, 10 रुपए में कितनी आएंगी, अगर ये करना आता है, तो आप मेरे लिए इंटेलिजेंट हो, आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो आराम से, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, कुछ टफ नहीं है, ईजी वे से समझाऊंगा सब, ये आप अपने आप में डिसाइड करना है, और डिसाइड कर लेना कौन से सब्जेक्ट्स रखने हैं। अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता, तो आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। आपको एटम भी नहीं आता, एलिमेंट भी नहीं आता, आपको बॉन्डिंग वगैरह, कार्बन एंड कंपाउंड्स, वो यूनिट नहीं आते, चलेगा, फिर चलेगा, ये चीज का ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, तो क्या बोला मैंने आपको, अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा मैटर की स्टडी केमिस्ट्री है, मैटर की स्टडी केमिस्ट्री है, स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ एवरीथिंग। मान लीजिए इसकी स्टडी करनी है, इसकी केमिस्ट्री करनी है, तो मैं सबसे पहले इसको स्टडी, इसके कॉन्स्टेंट, इसकी कंपोजिशन देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं ये बना किससे है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, खोलूंगा, इसका ऑपरेशन करूंगा, मैं देखना चाहता हूं इसमें है क्या। ठीक है, ये बना किससे है, तो मैं इसके 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, ऐसे ऐसे करके इसको डिवाइड करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर रहा हूं। लेकिन तब भी मैं देखना चाहता हूं बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल इसका क्या है, जिससे मिलके ये इतना बड़ा पार्टिकल बन गया, तो मैंने और डिवाइड किया, और डिवाइड किया, और डिवाइड किया, अल्टीमेटली मुझे इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले जो मैं नेक डाई से देख भी नहीं पा रहा, और डिवाइड किया, फिर भी मैंने उसको माइक्रोस्कोप में देख के डिवाइड किया, फाइनली मुझे इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले, इतने स्मॉल पार्टिकल्स मिले विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्या कहते हैं उसके, ये तो सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है, भूल गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज एटम, उन्हें हम क्या कहते हैं, एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अभी इसके आगे बहुत सारी इसकी डेफिनेशन चेंज होगी, लेकिन ऐसे डेल्टॉन ने डेफिनेशन यही दी थी। ठीक है, लेकिन एक चीज बता दूं बच्चों आपको, डेल्टॉन से पहले ये डेफिनेशन इंडिया में थी, ओल्ड इंडिया, बहुत पुराना इंडिया, तब इंडिया का बॉर्डर ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ लगता था, वो वाले इंडिया की बात कर रहा हूं। डेफिनेशन थी वो छोटे से छोटा टुकड़ा जिसके और टुकड़े ना हो सके, उसे अणु, परमाणु कहते हैं, ये सब बहुत पुरानी डेफिनेशन। ठीक है, हमने भी नहीं माना, लोगों ने भी नहीं माना, पूरी दुनिया ने नहीं माना, जब डेल्टा ने डेफिनेशन दी तो फिर सबने माना, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड नोन एज एटम, जैसे हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, एटम्स एटम्स मिलके बना लेते हैं बच्चों मॉलिक्यूल, क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके बना लिया मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके बना लिया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2,
ठीक है जी, ये मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स अलग अलग एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स ने मिलकर बना लिया कंपाउंड, कंपाउंड H2O कंपाउंड। इस कंपाउंड को आजकल हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और जब ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ये बहुत सारे कंपाउंड H2O 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 हजारों लाखों करोड़ों H2O मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जब एक गिलास में पड़े हुए हैं तो थोड़ा बहुत वाटर बनाएंगे, थोड़ी बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो क्या होता है? मैटर। और मैटर की स्टडी क्या होती है? केमिस्ट्री। बच्चों ये आपका केमिस्ट्री का ट्री है, बिल्कुल बेसिक्स, यूनिट का नाम ही यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका एक केमिस्ट्री का ट्री है, कहां से स्टार्ट होगा? एटम से, ये इसकी रूट्स हैं, जड़ें हैं। अगर एटम क्लियर है तो फिर आपको मॉलिक्यूल बनाना आएगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनाना आएगा, और फिर आप मैटर तक पहुंचोगे, मतलब केमिस्ट्री तक पहुंचोगे। आपका सेकेंड यूनिट है, यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, वो बोहर्स मॉडल, रदरफोर्ड, सारे मॉडल, और न्यू कोई मॉडल है वो भी आएगा। एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट चल रहा है जनरल केमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सेकेंड यूनिट है एटम के बारे में, क्योंकि यही रूट्स हैं, यहीं से आप केमिस्ट्री समझोगे। एटम के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है पीरियाडिक टेबल, जनरल पीरियाडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, ओल्ड न्यू सारे, एक और इंपॉर्टेंट, वहां से पोजिशन वगैरह सब पता चलेगा। नेक्स्ट यूनिट है बॉन्डिंग, बॉन्ड बनाना सीखोगे। एच एच ने एच टू ही क्यों बनाया, एच थ्री क्यों नहीं बनाया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके एच टू ओ ही क्यों बनाते हैं, एच थ्री ओ या एच टू ओ या और कुछ और कोई कंपाउंड क्यों नहीं बनाते, एच टू ओ ही क्यों बनाते हैं? वो केमिकल बॉन्डिंग से क्लियर होगा, बॉन्ड बनाना सीखोगे। तो बच्चों एक बार बॉन्ड बनाना आ गया तो फिर तो बॉन्ड ब्रेक करना भी आ जाएगा अगले यूनिट में। बॉन्ड बनाना, बॉन्ड ब्रेक करना, बस यही केमिस्ट्री है। ऐसी केमिस्ट्री आएगी, डायरेक्ट ट्वेल्थ पढ़ के केमिस्ट्री नहीं आएगी, ठीक है ना, डायरेक्ट एमसीक्यूज करके केमिस्ट्री आएगी। एसिड बेस, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, पीरियडिक टेबल, बॉन्ड बनाना, बॉन्ड ब्रेक करना, ये सब इलेवंथ सिखाएगी, ट्वेल्थ नहीं सिखाएगी। ट्वेल्थ में अप्लाई करना है इसको, ट्वेल्थ में इसे अप्लाई करना है। इलेवंथ में समझनी है चीजें और ट्वेल्थ में अप्लाई करना है, ये ध्यान रहे। अगर ऐसे जनरली थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं मैं केमिस्ट्री की बच्चों, तो केमिस्ट्री वर्ड जो है ना वो मिस्र से आया हुआ है, मिस्र, इजिप्ट, वो जहां पे पैरामिड्स होते हैं ना वहां पे। 13th सेंचुरी की बात है, 12th 13th सेंचुरी की बात है, तब वहां पे कुछ यूजलेस थिंग्स को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करने को केमिस्ट्री कहा जाता था। वहां के कुछ इंटेलिजेंट लोग, सयाने लोग, कोई यूजलेस खराब हो चुकी चीजों में, दूध खराब हो गया दही बना लिया, इसे केमिस्ट्री कहा जाता था। दूध से पनीर बना लिया, इसे केमिस्ट्री कहा जाता था। ग्रेप्स से वाइन बना ली, इसे केमिस्ट्री कहा जाता था। सड़े हुए ग्रेप से फर्मेंटेशन करके, इसे केमिस्ट्री कहा जाता था। 13th सेंचुरी की बात है, ये केमिस्ट्री वर्ड वहां से आया हुआ है। फिर ऐसा ऐसा और ज्यादा ब्रॉड, और ज्यादा नई नई चीजें, मेडिसिन वगैरह बनने लगी, उसमें भी केमिकल्स आने लगे, उसे मेडिसिनल केमिस्ट्री कहा जाने लगा। तो अब फाइनल डेफिनेशन है स्टडी ऑफ एवरीथिंग, स्टडी ऑफ मैटर इज केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री के बारे में सिंपल। एक लास्ट में चीज बता दूं आपको, आपको क्या लगता है, क्या 13th सेंचुरी, आज 21st सेंचुरी चल रही है, आपको क्या लगता है 13th सेंचुरी से पहले इंडिया में दूध दही और ये पनीर वगैरह नहीं खाते थे क्या? क्या 13th सेंचुरी से पहले वाइन नहीं बनती होगी इंडिया में? पॉसिबल ही नहीं है। तो खुद ही सोच लो केमिस्ट्री की शुरुआत कहां पे हुई है, इंडिया में। ये सब चीजें इंडिया में हुई है, लेकिन ओल्ड पुराना इंडिया जिसका बॉर्डर अफगानिस्तान के आगे जात के तल लगता था, वो इंडिया, सब चीजें यहीं से आई होंगी। देखना आप, बड़ी इंटरेस्टिंग वे से आपको, ये बुक्स में नहीं लिखा होगा लेकिन मैं आपको कंपेयर करके ये चीजें जरूर बताऊंगा, ताकि इंटरेस्ट बना रहे, इंटरेस्ट बना रहे। तो आज आपका कोई होमवर्क नहीं है बच्चों, आज आपको कोई क्वेश्चन नहीं करने, बस केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, 10 मिनट्स अकेले टाइम निकालना है, ये आपका होमवर्क है। देखना आप निकाल ही नहीं पाओगे ये टाइम, आप 10 मिनट्स अकेले नहीं बैठ पाओगे, या तो आपके हाथ में फोन होगा या कोई ना कोई साथ में होगा। 10 मिनट्स अकेले विदाउट फोन, और अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, क्या मैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए रेडी हूं,
क्या मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, और विल पावर मन होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है। बाकी आपको ये एटम्स वगैरह सब ना पता हो चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से करवाऊंगा ना, पूरी उम्र नहीं भूलेगा कभी, बार बार रिपीट भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे क्वेश्चंस अप्लाई करना है। एक छोटा सा मोल कॉन्सेप्ट 12th क्लास में 4 यूनिट्स में यूज होता है, 4 यूनिट्स में। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, 12th के 4 यूनिट्स ऐसे उड़ जाएंगे हवा में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है 11th क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।